हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग कुशल मंगल और स्वस्थ होंगे। डियर स्टूडेंट्स, तो अब तक हमने चार वीडियोस देख लिए। चार वीडियोस में हमने क्या क्या कंफर्म किया, क्या क्या क्लियर किया। तो सबसे पहला वीडियो कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है, दूसरा कि व्हाट इज डेवलपमेंट, तीसरा कि डेवलपमेंटल नोशन अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग कैसे हो सकता है, चौथा हमने देखा कि क्या डेवलपमेंट के केवल इनकम ही नोशन है कि अदर एस्पेक्ट आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें हमने देखा कि नहीं, इनकम ही केवल नहीं बल्कि मटेरियल एज वेल एज नॉन मटेरियल एस्पेक्ट्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सर क्या समझाना चाह रहे हैं इतना एक्सप्लेन करके? मैं ये समझाना चाह रहा हूं एवरीवन कि अभी तक हमने इंडिविजुअल डेवलपमेंट जो था वो अच्छे से पढ़ा। आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है नेशनल डेवलपमेंट। सर नेशनल डेवलपमेंट का मतलब याद कीजिए, मैंने पहले ही वीडियो में सेकंड वीडियो जो जिसमें मैंने डेवलपमेंट के बारे में बताया था उसमें मैंने क्या एक्सप्लेन किया था, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि डेवलपमेंट जो है वो दो एस्पेक्ट में, पहला इनकम सॉरी इंडिविजुअल और दूसरा नेशनल या मार्केट डेवलपमेंट। आज हम लोग नेशनल डेवलपमेंट की बात करेंगे। विलंब नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं डियर स्टूडेंट्स। पहला, सबसे पहले अगर नेशनल डेवलपमेंट सुनते हैं ना तो क्या है नेशनल डेवलपमेंट, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी और बहुत आसान टॉपिक है। नेशनल डेवलपमेंट इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट डेवलपमेंट ऑफ होल कंट्री, होल नेशन, पूरे देश का विकास नेशनल डेवलपमेंट। बहुत आसान है ना समझना। तो अब देखिए, मुश्किल आएगी, मुश्किल नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन समझना बहुत आसान हो जाएगा। मुश्किल क्या है ये समझिएगा। मुश्किल ये है कि सर आपने कहा कि जो मेरे लिए डेवलपमेंट है वो आपके लिए डेवलपमेंट नहीं होगा और जो आपके लिए डेवलपमेंट है वो मेरे लिए डेवलपमेंट नहीं होगा। मतलब दिमाग जो है हमारा अलग अलग चल सकता है। हमारा मेरे कहने का मतलब है कि हमारा डेवलपमेंटल नोशन, जो हमारा जो डेवलपमेंटल आइडियाज है वो अलग अलग पर्सन के अलग अलग हो सकते हैं और कभी कभी तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग भी हो सकता है। तो हम कैसे नेशनल डेवलपमेंट को मेजर करेंगे? आया ना क्वेश्चन, बहुत डिफिकल्ट है कि नहीं? जो आपके लिए डेवलपमेंटल नोशन है वो आपके पापा के लिए नहीं हो सकता है, जो आपके लिए डेवलपमेंटल नोशन है वो हो सकता है वो आपकी मां सोचती है कि ऐसा नहीं है। तो आप क्या कीजिएगा वहां पर? अगर आप समझिए, बहुत ध्यान से समझिए, आज भर के लिए अगर आप प्राइम मिनिस्टर बनते हो, जैसे कि नायक मूवी में अनिल कपूर जी बनते हैं एक दिन के सीएम, वैसे अगर आपको एक दिन के प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए तो आप क्या कीजिएगा? आप कैसे सुनिएगा सभी की बातों को, क्योंकि नेशनल डेवलपमेंट में तो आपको सभी की बातें सुननी होगी। तो आप कैसे डिसाइड कीजिएगा? एक क्वेश्चन बहुत आया, जबकि एक जो नेशनल डेवलपमेंट जो है वो इंडिविजुअल्स को जोड़ते जाएंगे तो बन जाएगा नेशन, और सभी इंडिविजुअल का तो नोशन ऑफ डेवलपमेंट ही अलग अलग है। तो एक क्वेश्चन आया कि हाउ कैन वी डिसाइड व्हाट इज द बेस्ट, हाउ कैन वी डिसाइड दैट व्हाट इज नेशनल डेवलपमेंट और कैसे सभी के लिए अच्छा होगा। एक बात समझिए, इसका आंसर मैं आपको पहले बता देता हूं, फिर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। मैं आपको आंसर बताता हूं कि बाय कैलकुलेटेड प्रॉफिट और लॉस। कैलकुलेटेड प्रॉफिट और लॉस का मतलब क्या है कि हम कैलकुलेट करेंगे कि कितने लोगों को प्रॉफिट होगा, कितने लोगों को लॉस होगा। चलो आंख बंद करके सबको एक एग्जांपल मैं देता हूं, कंडीशन देता हूं, आप सोचिए। तो क्या है कंडीशन कि आज आप बन गए हो रेल यानी कि ट्रेन के ड्राइवर, आप ट्रैक पर ट्रेन चलाए जा रहे हो, सामने से एक बूढ़ा व्यक्ति गुजर रहा है, आप हॉर्न दे रहे हो, वो सुन नहीं रहा, वो भरा है, आप क्या कीजिएगा? इमरजेंसी ब्रेक लगाइएगा या उस बूढ़े व्यक्ति को सॉरी कह के आप उसे जाने दीजिएगा? मैं ये नहीं कहता कि आप उसे मार दीजिए, आप प्रयास कीजिए बचाने का, लेकिन अगर आउट ऑफ कंट्रोल स्पीड है, आप नहीं कर सकते हो कंट्रोल एट रैंडम, तो उस कंडीशन में क्या करिएगा आप कि वो एक व्यक्ति जो है ना उसका नुकसान हो जाए। क्यों? क्योंकि ट्रेन में हजारों हजार व्यक्ति बैठे हुए हैं
और हजारों हजार व्यक्ति के जान को आप खतरे में नहीं डाल सकते किसी एक व्यक्ति के लिए। कहने का मतलब है कि अगर किसी एक का नुकसान हो और हजारों हजार का बेनिफिट हो जाए तो वहां पर आपको क्या समझना होगा, चलो एक का नुकसान आपको झेल लेना होगा, देख लेना होगा। जैसे मैं आपको एक बात समझाता हूं, आपको याद है जब चैप्टर स्टार्ट किया गया था तो आपने देखा होगा अपने बुक में, अगर आप अपने बुक को पढ़ते हो तो उसमें आपने देखा होगा सरदार सरोवर डैम के बारे में बात की जा रही है, हाइट इंक्रीज करने की बात की जा रही है, और वहां पर नर्मदा, कौन से नदी पर बनाया जा रहा था सरदार सरोवर डैम, नर्मदा नदी पर, नर्मदा रिवर पर। तो नर्मदा रिवर पर जो सरदार सरोवर डैम के हाइट को बढ़ाने की बात की जा रही थी तो वहां जो ट्राइबल्स थे उनको प्रॉब्लम थी, उनको ये प्रॉब्लम था कि अगर मुझे वहां से हटा दिया गया, डिस्प्लेस कर दिया गया, तो चूंकि मेरे पास तो जमीन के कागजात है नहीं, तो आगे कहीं और तो हमें जमीन की मिलेगा नहीं, पैसे मिलेंगे नहीं, तो हम जाएंगे कहां। लेकिन फिर भी हाइट बढ़ा क्योंकि उससे बहुत बड़े कम्युनिटी को, बहुत बड़े सोसाइटी को फायदा होने वाला था, कुछ चंद 50-100 लोगों को नुकसान होने वाला था। तो 50-100 लोगों के नुकसान को झेल लिया गया, कैलकुलेटेड लॉस को देख लिया गया, और जो प्रॉफिट हजारों हजार लाखों लाख लोगों को होने वाला था तो वो प्रॉफिट देने के लिए हम लोग रेडी हो गए। आई होप बात समझ में आप आ रही होगी। नोट्स जो है आपके स्क्रीन पर है, आप उसे पढ़कर समझ सकते हो। आशा करते हैं कि नेशनल डेवलपमेंट क्या है आपको समझ में आ पाया होगा। मैं कंक्लूड करता हूं फिर से, नेशनल डेवलपमेंट क्या है तो पूरे नेशन का डेवलपमेंट। कभी कभी क्या होता है ना कि अलग अलग इंडिविजुअल अलग अलग तरीके से सोचते हैं, अलग अलग इंडिविजुअल अलग अलग तरीके से विकास के बारे में सोचते हैं, डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं, और कभी कभी तो कॉन्फ्लिक्टिंग भी हो जाता है। फिर भी हम लोग कैलकुलेटेड प्रॉफिट या लॉस को देखते हुए हम लोग क्या करते हैं, डेवलपमेंटल डिसीजन लेते हैं और सोसाइटी को बेनिफिट करते हैं, बेनिफिटेड एक्शन लेते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आ पाई होगी, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा है तो लाइक करें, और यदि आपके लिए ये सच में यूजफुल था तो आप अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। डियर स्टूडेंट्स, अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछें और उसे क्लियर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप खूब पढ़ें, खूब आगे बढ़ें। थैंक यू वेरी मच।